नमस्कार किसान भाइयों, आप देख सकते हैं 6.5 HP का ये जो है पंप है, इंजन है, और इस पंप के जरिए हम जो है दवा का छिड़काव करेंगे, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है टैंक पेट्रोल का है किसान भाइयों, इसमें पेट्रोल डलता है। और ये जो देख सकते हैं आप, ये जो है इंजन होता है किसान भाइयों, और यहाँ पर इसके जरिए यहाँ पर चालू किया जाता है इसे खींच कर। और किसान भाइयों यहाँ पर ये जो है चोक होता है किसान भाइयों, इसको इस साइड ही रहने दें, अगर इसको इस साइड कर देंगे तो यहाँ से जो चोक लग जाता है, इसे सिर्फ चालू करने के लिए यहाँ पर चोक लगाया जाता है। तो देख सकते हैं किसान भाइयों, आप अपने मार्केट से, नज़दीकी मार्केट से इसे आसानी से खरीद सकते हैं किसान भाइयों। और आप यहाँ पर आप देख सकते हैं 6.5 HP का यहाँ पर ये जो है इंजन है, और यहाँ पर जो है पंप रखा हुआ है, जो कि ट्रैक्टर वगैरह में यहाँ पर कसता था पहले, अब जो है इंजन में यहाँ पर फिट कर दे दिया है। और किसान भाइयों ये जो नली देख रहे हैं आप, 300 फिट की यहाँ पर नली है, और यहाँ पर ये टंकी देख रहे हैं, ये जो टंकी है 200 लीटर पानी की है किसान भाइयों। और अब हम जो है यहाँ पर इससे जो है छिड़काव करेंगे। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर सामान को ले जाया जाता है, फिर जाकर जो है यहाँ पर सिंचाई हो। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से जगह जगह पंप को ले जाया जाता है। तो देख सकते हैं 6.5 HP का यहाँ पर ये इंजन है, इसे आप आसानी से कहीं भी रख सकते हैं अपने खेत में। तो देख सकते हैं यहाँ से हम जो है पानी भरेंगे इस टंकी में, फिर जाकर जो है हम सिंचाई करेंगे। तो देख सकते हैं हमने पंप को यहाँ पर जमा दिया, और यहाँ से हम जो है पानी भरेंगे इस टंकी में। आप देख सकते हैं हम जो है हमारी नली वगैरह यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, फिर जाकर यहाँ पर पानी भरा जाएगा। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर इंजन चालू कर दिया है, अब जो है हम इस पानी को यहाँ पर टंकी में भरेंगे। तो देख सकते हैं अभी जो है हम पानी निकाल रहा है, इसमें दूसरी दबा का यहाँ का जो है पानी भरा था, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इतना जो है पानी आप भर सकते हैं इस टंकी को। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर इंजन यहाँ पर चल रहा है, ये पानी को हम उठाकर इस टंकी में भर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत आसान हो गया है, अब टंकी को यहाँ पर भरा जा। तो देख सकते हैं इस तरीके से आप टंकी को यहाँ पर भरकर फिर जो है यहाँ पर छिड़काव हम करेंगे कीटनाशक दवा का, यहाँ पर चारे में जो है चारे को यहाँ पर कंट्रोल करेंगे, आप देख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर दवाई यहाँ पर डाली जा रही है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये जो है स्प्रे यहाँ पर फुहार एक ही यहाँ पर रहता है किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इसके जरिए यहाँ पर दवा का छिड़काव किया जा। तो देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पर पंप चालू हो चुका है, अब हम जो है दवा का छिड़काव करेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक नोजल से यहाँ पर दवा डलती है, आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर दवा का छिड़काव हम कर रहे हैं, आप देख सकते हैं एक नोजल यहां पर लगा होता है। और आप देख सकते हैं ये जो है यहां पर पंप यहां पर चल रहा है, आप देख सकते हैं, और इस तरीके से यहां पर दवा का छिड़काव किया जाता है, आप देख सकते हैं। और 300 फीट यहां पर ये जो है नली है, तब जाकर यहां पर जो है छिड़काव यहां पर हो पाता है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं नोजल है, इसके जरिए यहाँ पर जो है छिड़काव किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। और यहाँ पर 6.5 HP यहाँ पर इंजन यहाँ पर चल रहा है, आप देख सकते हैं। और देख सकते हैं किसान भाइयों, दवा यहाँ पर हमने यहाँ पर मिला ली थी, और यहाँ पर हम डालकर इस पंप की मदद से यहाँ पर छिड़काव कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और किसान भाइयों, इस पंप की मदद से सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत होती है, और आसानी से जो है आप अपना जो है खेत में दवा का छिड़काव कर सकते हैं। और किसान भाइयों, इसी तरह के वीडियो हम लाते रहते हैं, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और वीडियो अच्छी नहीं लगे तो डिसलाइक जरूर करें। धन्यवाद।